क्यों कच्चा पांच बैठे हो। तो स्टार्ट हो गया भैया, शिवम शुरू जी। तो आप सबका वेलकम है। आज हम लोगों ने ये तय किया था कि आज जो है क्लास में पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ा कैसे जाए ये सीखेंगे। तो मैं कुछ बताऊंगा, उससे बढ़िया ये है कि मैं आपसे ही सीधे सवाल पूछूं और आपका आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आपके मन में चल रहे प्रश्नों का जब जवाब आपको मिल जाएगा तो अपने आप सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो हम लोग का मेनली लक्ष्य है बात करना टेस्ट के नंबर को लेकर के, ठीक बात है, सबसे पहला। और दूसरा जो बात करना है वो अपनी पढ़ाई को लेकर के, यानी किस तरह से पढ़ा जाए उस तरह उससे संबंधित हमें सवाल पूछना होगा, ठीक है। तो आप समझ गए, दो टॉपिक हमारे मेन है। पहला क्या है जी, टेस्ट के नंबर को लेकर के, और दूसरा पढ़ा कैसे जाए या पढ़ते समय आपको अपने अलग अलग सब्जेक्ट में क्या दिक्कतें या किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि एक एक बच्चे से बात करना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन आपसे सामूहिक तौर से बात करना आसान है, ठीक बात है। तो वी शुड स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहला सवाल लेडीज फर्स्ट, अगर आप लोग पूछना चाहें तो पूछना। आपका पहला सवाल है, मुझे पता था लेडीज फर्स्ट है। माइक दीजिए इनको, माइक मुंह में नहीं करिएगा, थोड़ा दूर रख के बोलिएगा। सर मेरा सवाल ये था कि मतलब टेस्ट में नंबर तो बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, 5-10 ऐसे 20 ऐसे बढ़ रहे हैं, और हर बार नंबर कम एक ही सब्जेक्ट में हो रहा है, वो है फिजिक्स। ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स तो सबका दर्द होगा वैसे, मुझे पता है। हाँ, कम हो जा रहे हैं पहले से हर सर, कम कभी किसी टेस्ट में कम हो। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आपके नंबर हर बार बढ़ रहे हैं 5 या 10, तो आप पहले उस पर फोकस करिए कि आखिर ये नंबर हम बढ़ा कैसे पा रहे हैं। जो भी कारण है उस कारण पे काम करिए, उस कारण को और मजबूत करिए। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए देखिए एक बात तो श्योर है, पूरा हिंदुस्तान पूरे इंडिया में जितने भी लोग तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल सब्जेक्ट फिजिक्स होता है। एक्चुअली पेनफुल नहीं है, लोग उसको बना देते हैं, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए और फिजिक्स की समझ तो होनी ही चाहिए। तो वहाँ पर आपको करने की ये ज़रूरत है कि आप कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करिए, कंसेप्ट एकदम कंठस्थ होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया और आप कॉन्सेप्ट ही भूल गए, अब क्वेश्चन आपके सामने एकदम आसान सा पड़ा है स्यूडो फोर्स का, पर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं याद है, तो क्या आप वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे? नहीं। तो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट रटना, लैक ऑफ फार्मूला रटना, ये दो बड़े रीजन होते हैं। और तीसरे नंबर पे गणित आती है, कुछ लोगों का कैलकुलेशन का मिस्टेक। तो आप जब पढ़ाई करिए तो इन तीन चीज़ों पे फोकस रखिए कि आपको कॉन्सेप्ट जितना पॉइंट वाइज पढ़ाया गया वो एकदम कंठस्थ हो, फार्मूला जो उसमें यूज हुआ है वो भी कंठस्थ हो विद रेफरेंस कि इस फार्मूले में ये चीज़ क्या है, और तीसरे नंबर पर आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होना चाहिए। ये पहले दिन से नहीं होगा, डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहेंगे, गलतियां होंगी प्रैक्टिस करेंगे, गलतियां होंगी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप क्विट नहीं करेंगे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आप सार उस चीज़ को उसके ऊपर महारत हासिल कर लेंगे, ठीक है, लेकिन एक बार में नहीं होगा। ठीक सर, एक सवाल और था कि जैसे मॉड्यूल लगाते हैं तो मॉड्यूल के क्वेश्चन तो नहीं लगते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर के लग जा रहे हैं, तो मॉड्यूल लगाएं या ना लगाएं? देखिए जब जंग लड़ी जाती है तो ये नहीं पूछा जाता है कि हम इससे लड़ने की तैयारी करें कि उससे लड़ने की तैयारी करें, आपको तैयारी सभी तरह की करनी चाहिए, ठीक बात है। एग्ज़ाम में क्या आएगा वो आप प्रीवियस ईयर से जान पा रहे हैं, तो इसलिए आपको इस बात का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यार चलो हम जो क्वेश्चन, उसको बंद कर दीजिए मैं, फिर जब पूछा करे कोई तब ऑन करिए। तो जब मेरे से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लग जा रहा है इसका मतलब जो क्वेश्चन ट्रेंड में होगा मैं उस तरह का लगा लूँगा, लेकिन वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता है, समझ रहे हैं आप? हाँ, मान लीजिए लड़ाई करने वाला सामने वाला से भाला चलाना जानता है, लेकिन भाला चलाना सीख करके आप लड़ाई जीत नहीं पाओगे, आपको तलवार चलाने भी आना चाहिए और तोप चलाने भी आना चाहिए, ठीक बात है। क्योंकि हम उससे हमारे अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ डेवलप होती है, उसका नाम है कॉन्फिडेंस। तो हम लगाइए मॉड्यूल, कोई ऐसा अन्यथा अनवरत क्वेश्चन लगता है तो छोड़ दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है,
ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग जो सिलेक्ट होते हैं उनसे बहुत से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत से नहीं आते। कई ऐसे बच्चे हैं जो इस बार सिलेक्ट हुए हैं, वो बहुत ही सिली क्वेश्चन पूछते थे, मुझे लगता था कि क्या पूछ रहा है, सिलेक्शन इसका नहीं होगा क्या, लेकिन हुआ उनका। ठीक है, तो हमको ट्रेंड में बने रहना है, कंसेप्ट, फॉर्मूला, एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, इन पे ध्यान देना है। ठीक, किसी और का प्रश्न? अगला बहन को दीजिए, ऑन कर दें। सर मेरा क्वेश्चन ये है, माइक करीब ले आइए। सर मतलब बैकलॉग बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, जो क्लास में रोज़ पढ़ाते हैं वो पढ़ें कि पीछे का जो छूट गया है वो पढ़ें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इसमें। ठीक है, देखिए बैकलॉग के ऊपर प्रश्न है, राइट, कि हमारा बैकलॉग है हम इसको कैसे दूर करें। पहली बात तो बैकलॉग क्रिएट क्यों हो रहा है, पिछले आपके जो भी टाइम है, बंद कर माइक, पिछला जो भी टाइम है उसमें बैकलॉग क्रिएट क्यों हुआ, उन कारणों को देखिए और अब से बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा इस पे ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, जैसे मान लीजिए मेरे पास, मुझे सफाई करनी है तो मेरे पास एक पूरा ढेर पड़ा हुआ पाइलअप है हमारा सिलेबस, हम उसको दूर कैसे करेंगे, हमें उसका एक टारगेट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे 10 चैप्टर का बैकलॉग है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब आप अपनी औकाता अनुसार अपनी करेंट पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए समय निकालिए कि हम इस बैकलॉग को कितने घंटे दे पाएंगे। सपोज कर लीजिए आप 8 घंटे पढ़ते हैं अलावा क्लास के, आपने 5 से 6 घंटे में ये तय कर लिया कि मैं जो टॉपिक मेरा चल रहा है हम उसको ठीक से करेंगे। बचे हमारे पास कितने, 2 घंटे। अब डेली हम कितने देने वाले हैं अपने बैकलॉग को, 2 घंटे, समझ में आ रहा है। और आपके पास कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर सपोज कर लो आपको लगता है कि यार मेरे पास 3 दिन में खत्म होगा या 2 दिन में खत्म होगा, जो भी आपकी औकाता अनुसार आपको लगता है। 2 दिन में खत्म हुआ एक चैप्टर, तो 10 चैप्टर खत्म करने में कितना दिन लगेगा, 20 से 30 दिन लगेगा। तो आप नोट करके लिख दो कि 20 से 30 दिन बाद हमारे पास बैकलॉग नहीं रहेगा। अब आप ये सोचोगे कि 10 चैप्टर मैं 2 दिन में खत्म कर दूं, सब ठीक कर दूं, फिर आगे बढ़ूं, ऐसा कभी नहीं होगा, वो फिर अनदर बैकलॉग की तैयारी शुरू हो जाएगी आपके। पता चला पिछला बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में जो अभी चल रहा है उसका बैकलॉग क्रिएट कर लोगे। हाँ, अगर पिछले पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट में से कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी के टॉपिक में हो रही है तो उस कॉन्सेप्ट को तुरंत पढ़ के खत्म कर लें, ताकि रनिंग टॉपिक को आप ठीक से टाइम दे सकें, ठीक से समझ सकें। ठीक है, जवाब मिल गया, बैठ जाइए। और किसी का सवाल? सवाल नहीं पूछे हुआ तो यहाँ आए क्यों हूँ? हाँ जी भैया, कुछ सवाल सभी लोग पूछिए, नहीं यहाँ हम कुछ बताने के लिए नहीं आए, सवाल ही बताने आए हैं, पीछे लिखा भी है एक सवाल और। हाँ जी सर, मेरा सवाल फिजिक्स को लेकर है। अच्छा। जैसे पेपर करते हुए लास्ट में कुछ सवाल जैसे आसान लगते हैं और तो उसको कर लिया तुरंत, फिर देखते हैं कि कुछ कठिन लग रहा, उसको लगाते लगाते जो ये होता है कि अब पेपर करने का मन ही नहीं हो रहा, तो आगे नहीं पढ़ पाते, फिर टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता इसमें। देखिए क्या है ना, दुनिया में सबसे बड़ा बोर्डम काम क्या है, परेशानी को झेलना, बर्दाश्त करना। इस दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, वो उसी तक झेल पाएगा, उसके बाद वो झेलेगा नहीं। ठीक, और सबसे बोरिंग काम होता है जिंदगी में परेशानी को झेलना। सपोज कर लीजिए आपका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ पैर में कुछ हो गया, तो आप कोशिश करते हो कि जल्दी से जल्दी ये जख्म या ये घाव दूर हो जाए, पर क्या वो आपके चाहने से जाता है या अपना टाइम लेता है? हैं? आप क्या करते हो, अपना न्यूट्रिशन बढ़ा देते हो, दवाएं बढ़ा देते हैं। देखिए जब आपको अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ानी है तो आपके पास में एक ही तरीका है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। क्लियर आपको? मैं इसीलिए बार बार एक चीज समझाता हूं, ये जो फिलॉसफी, ये जो थ्योरी चलती है ना कि 45 मिनट के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है, 45 मिनट पढ़िए उसके बाद 10 मिनट का मजा लीजिए, ये थ्योरी आप पे लागू नहीं होती है। क्यों नहीं लागू होती? क्योंकि आप एक एकेडमिक स्टूडेंट नहीं हो, दूसरी बात है आप एक छोटे बच्चे नहीं हो। आप पे थ्योरी ये लागू होती है कि जब भी आप अपने घर में पढ़ने बैठ रहे हैं, रूम पे पढ़ने बैठ रहे हैं, तो लगातार 3 घंटे अपने धरातल को टिकाइए, 3 घंटे बैठने की आदत डालिए। बड़ी कशमकश होगी, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप पढ़ने बैठे हो तो 1 घंटे बाद
कुछ मन नहीं कर रहा है तो जाकर के टॉयलेट में पिशाबी कराए, कुछ नहीं, मतलब उसका सरोकार ही नहीं है, ना हमें नेचुरल कॉल आई है, ना कुछ भी है, हम चले गए अपने आप को चेंज करने के लिए। तो हमने अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया, हमें अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी 3 घंटे 20 मिनट तक कॉन्टिन्यूस वर्क करने की, ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपने रूम पे या अपने घर पे जब पढ़ाई कर रहे हो आप कॉन्टिन्यूस स्टडी नहीं करते हो। जब तक आप कॉन्टिन्यूस स्टडी नहीं करना सीखोगे तब तक कॉन्टिन्यूस कैसे 3 घंटे 20 मिनट दिमाग काम करेगा, पॉसिबल है क्या? नहीं। आप अपने आप को पार्ट में तोड़ करके पढ़ाई करना मत सिखवाइए। परेशानी होगी, मैं जानता हूँ, उलझन होगी, लेकिन एक समय के बाद आपको आदत पड़ जाएगी उसकी, है ना। जैसे कोई सफर आपको कभी लंबा लगता हो और रोज आप उस सफर को करने लगी है तो फिर छोटा लगने लगता है, क्योंकि आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ चुकी होती है, ठीक बात है। तो दिमाग के थकने के पीछे कारण यह है कि आप 3 घंटे 20 मिनट की अपने घर पे तैयारी नहीं कर रहे, अपने घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक बात है। उस घर पे जाइए, 3 घंटे तक दिमाग को कॉन्टिन्यूस लगाए रखिए, बिना उठे बिना कुछ किए, जैसे एग्जाम में माहौल होता है उसी तरीके से। आपके बीच में ख्याल नहीं आता कि हम टॉयलेट चले जाएं, क्योंकि भैया क्वेश्चन छूट जाएगा एक, ठीक। पानी इनविजिलेटर अगर 2 मिनट खराब कर देता तो दिमाग खराब हो जाता है, अरे यार जल्दी भाग, राइट, समथिंग लाइक दैट हैपेंड विद यू, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आपको कुछ उसी तरह का माहौल अपना क्रिएट करना पड़ेगा, वो धैर्य वो पेशेंस तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि मैं रूम पर एक एक घंटे के बीच में ब्रेक लेता रहूं और वहां जाके अपने दिमाग को कॉन्टिन्यूस 3 घंटे काम करवा लूं, नहीं। शरीर आपका है, दिमाग आपका है, इससे कैसे काम लेना है ये आप पे निर्भर करता है, आपके ऊपर तय होगा कि आप उससे किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, और दिमाग थक जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जल्दी निपटाना चाहेगा पेपर, और पेपर निपटाने के चक्कर में सिली मिस्टेक करवाएगा ही करवाएगा। अच्छा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फिजिक्स लास्ट में चुनते हैं, यह भी एक गड़बड़ी है। मैं सलाह नहीं देता हूं, आप करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा फिजिक्स बाद में करने की, मैं सलाह दूंगा फिजिक्स आप पहले करिए। लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं कि मुसीबत बाद में आए तो ज्यादा अच्छा है, पर यह बहुत गलत धारणा होती है। फिजिक्स आप पहले कर लेते हो तो आपके लिए फायदा यह होता है कि आप ऐसे समझो, आप प्रेशर में ज्यादा क्या कर सकते हो, सही, बायोलॉजी या फिजिक्स? फिजिक्स प्रेशर में नहीं हो सकती, बायोलॉजी प्रेशर में की जा सकती है। तो इसीलिए प्रेशर बायोलॉजी को बाद में रखिए, आप पीसीबी का ऑर्डर बनाइए ना कि बीसीपी का ऑर्डर बनाइए, ये मैं आपको प्रियोरिटाइज करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि पीसीबी या बीसीपी ऑर्डर वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन उनका भी होता है, पर वो ऑर्डर से बेहतर मेरे हिसाब से ऑर्डर पीसीबी, ठीक। बाकी तो देखो कोई सेट फंडा नहीं है, जो लग जाए, जो तीर लग जाए वही तुक्का है, वही जो तिक्का लग जाए वही तीर है, ठीक बात है, सिंपल से, ठीक। दिमाग थकने के पीछे कारण है, जवाब मिल गया, ठीक। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी भैया, कुछ जिनका भी वो सवाल पूछिएगा, कोई गलत बात नहीं है, कोई दिक्कत, जो भी मन में आ रहा है। सर माय नेम इज मोहम्मद इजहार। यूट्यूब पे अपलोड होगा ना? हैं, यूट्यूब पे अपलोड होगा, नाम बता। हाँ होगा भाई, इसीलिए नाम बता रहे हो, मतलब अलग ही ठसक में जी रहा है यार। चलो कोई बात, यूट्यूब पर अपलोड होगा। आपका नाम मोहम्मद इजहार है, पिताजी का नाम भी बता दें, घर का पता भी बता दें। अच्छा, घर का पता भी बता दें, गोरखपुर जिला, वेरी गुड, चौरी चौरा। मकान का नंबर भी बता दें, आपको लग रहा है था बता देने से 4-6 लोग आपके यहाँ पहुंच जाएंगे कि तुम कहाँ थे, हम तुम्हारे बिना तड़प रहे थे। चलो सवाल पूछो मेरे भाई, बहुत अच्छी बात। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो बिना एनालिसिस का देना बेकार है, तो एनालिसिस में सबका अलग अलग अप्रोच है एनालिसिस पेपर करने का। मेरा कैसा है, मेरा 2 से 2.5 घंटे एनालिसिस करने में चला जाता है, ज़्यादा डीपली हो जाता है उसी में। तो सर एक बेहतरीन अप्रोच बताइए जो सबके लिए अच्छा से अच्छा बेहतरीन सबसे हो पेपर एनालिसिस करने के लिए, कैसे किया जाए? पेपर देने के बाद पेपर एनालिसिस, या पेपर के दौरान पेपर एनालिसिस, या पेपर देने के पहले का पेपर एनालिसिस? देने के बाद सर, देने से पहले पेपर एनालिसिस कैसे करेंगे? आप नहीं जानते हैं, कुछ लोगों को बीमारी होती है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, तो जो घटना नहीं हुई रहती है उसको उसके पहले भी सोच लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है।
पेपर देने के बाद एनालाइज करने का तरीका क्या है? सबसे पहली चीज़ है कुछ आपके टर्म्स एंड चीज़ें होनी चाहिए, द वेरी फर्स्ट थिंग। देखिए आप जो भी पेपर दे रहे हैं राइट, उसका मूड क्या है, उसका लेवल क्या है, ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें से कितने सही हुए और कितने गलत हुए, राइट, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो क्वेश्चन गलत हुए उसके गलत होने का कारण क्या है, ये ढूंढना। कारण क्या हो सकता है? हो सकता है आपको टॉपिक ना पढ़ाया गया हो सकता है वो टॉपिक आपने ठीक से रिवाइज ना किया हो, या तीसरा टॉपिक हो सकता है आपने क्वेश्चन को कुछ और समझ लिया, या चौथा रीजन हो सकता है आपसे सिली मिस्टेक हुई, जैसे आपने नॉट नहीं देखा उसमें, इनकरेक्ट नहीं देखा, या कुछ ऐसी बात नहीं देखी और आपने टिक कर दिया, राइट। अब इन सबको दूर करने का क्या तरीका है? सारे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो टॉपिक आपको परेशान करे, नंबर कम दे, एक ही तरीका, उसको जाके रगड़ दो, एकदम उड़ा दो। मैं जब पढ़ता था तो मुझे सबसे भयंकर टॉपिक लगता था रोटेशनल डायनेमिक्स। हमें लगता था रोटेशन मोशन, हमें सारा फिजिक्स आ सकता, रोटेशन नहीं आ सकता, ये कभी नहीं आ सकता। लेकिन बिना रोटेशनल पढ़े मैं पढ़ाऊंगा कैसे? रट के तो पास हो जा रहे थे लेकिन पढ़ाएंगे कैसे? तो आपको एक ठानना पड़ेगा कि यार या तो ये चैप्टर या तो हम, ठीक। तो आपको उसी तरह का एक अपने अंदर द्वंद लाना पड़ेगा, तभी जा करके वो चीज़ ठीक होगी। तो एनालिसिस करने में ये चीज़ें आपको देखनी होगी। दूसरी बात ये है कि एनालिसिस का पहला पॉइंट तो ये जो तीन चार बातें हैं वो है कि क्या वजह है जिस वजह से आपका नंबर कम आया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको ये भी देखना होगा कि आपका प्रोग्रेस कितना हो, या प्रोग्रेस हुआ है, प्रमोट हुए हो कि डिमोट हुए हो आप। यानी पिछले टेस्ट में अगर आपके 300 थे तो इस बार 350-400 होने चाहिए। अब 300 वाला सोचे कि मेरा 720 आ जाए तो वो भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी इतना अपग्रेडेशन करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसा ही है। या तो पेपर ही एकदम चूरन नाम पता वाला आ जाए तभी हो सकता है। तो आप अपने अपग्रेडेशन को बिल्कुल ही सही से रखिए। यानी हमारा नंबर 300 से हम 400 के ब्रैकेट में जाएंगे, 400 से हम 500 के ब्रैकेट में जाएंगे, 500 से हम 600 के ब्रैकेट में। अगर हमारा ब्रैकेट 400 से 600 पहुंच जाता है तो बुरा क्या है, लेकिन अगर हमारा ब्रैकेट 400 से 500 जाता है तो हमें सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। क्लियर? 400 से 600 के ब्रैकेट पे नहीं पहुंचा तो कोई दिक्कत नहीं, 400 से 500 के, 100 से 200 के ब्रैकेट पे जाना चाहिए। एटलीस्ट हम 100 नंबर का अपने अंदर ग्रोथ ला ही रहे हैं, राइट। और ग्रोथ होना जरूरी है, आप धीमे धीमे ग्रो करते रहोगे तो फिर आप वहां तक पहुंचोगे, क्लियर है। लेकिन आप ग्रोथ ही नहीं कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है। तो दूसरा एनालिसिस ये हुआ। तीसरी एनालिसिस ये है कि आपको ये देखना होगा कि भाई इस पूरे पेपर को देने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका एटीट्यूड कैसा रहा। जब लोग टेस्ट देते हैं तो कुछ लोग ये सोच के देते हैं कि हम इस टेस्ट को दे रहे हैं, मेरे माँ बाप को पता चल जाए कि नंबर अच्छा आया है, मोहल्ले को पता चल जाए कि नंबर, यानी वो अपने आप को बेहतर लोगों के सामने साबित करने के लिए टेस्ट देते हैं, एक ये मूड भी हो। दूसरा, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं 720 में 720 पा जाऊं तो मतलब नीट में मैं इतना ही नंबर पाऊं, यानी वो नीट में अपना रेफरेंस तलाश रहे होते हैं, उस नंबर में अपना रेफरेंस तलाश रहे होते हैं। तो जो लोग ये सोच के भी टेस्ट देते हैं उनका भी टेस्ट देने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो नंबर बहुत पा रहे होते हैं पर सिलेक्ट नहीं होते हैं। आपके मकसद ऑफ टेस्ट या एटीट्यूड ऑफ टेस्ट क्या है, ये भी आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो आपके कोचिंग्स में या आप किसी भी प्रकार से टेस्ट दे रहे हो उसका एक ही मकसद होना चाहिए, एरर इम्प्रूवमेंट, एरर गलती को ठीक करना। जो गलती हम करते जा रहे हैं हम उसे ठीक कर, और आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो गलती ना कर रहा हो या ना किया हो। तो गलती आप कर रहे हैं तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती करते रह रहे हैं ये बुरी बात है।
इफ यू मेक अ मिस्टेक इट्स ओके, बट इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक कॉन्टिन्यूसली इट्स मतलब ये फिर बदमाशी है, बदतमीजी है, ठीक बात है। तो तीन पहलुओं पे आपको काम करना चाहिए। पहला पहलू तो मैंने आपको बता दिया, एनालिसिस करिए, पेपर को किस तरीके से देखिए। दूसरा, हमारा प्रोग्रेस हुआ है कि अपनी प्रोग्रेस को काउंटर कर लीजिए। और तीसरी बात, हमको अपने एटीट्यूड को उस टेस्ट के दौरान हम किस भाव से गए थे वहाँ भी। अगर मान लीजिए कोई बच्चा टेस्ट देने जा रहा है और वो एक क्वेश्चनेयर ब्रेन से जा रहा है कि देखते हैं आज क्या होता है, तो फिर वो गया, फिर वो टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप शक्ति प्रदर्शन करने टेस्ट में नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों को जानने और उसे दूर करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर दैट कि वहां कोई कमी आएगी जो ऑब्जर्व होगी, ठीक है। तीन ये पहलू है जिसपे आप एनालाइज करिएगा। एक और सवाल और सर। हाँ पूछिए। जैसे कि हर महीने मेंसुरल आते हैं, मेंसुरल साइकिल चलते हैं, तो मेंसुरल साइकिल जैसे हर महीने आते हैं, तो वैसे हम लोग की लाइफ में ऐसे है कि एक समय आता है पढ़ने का मन नहीं करता, हर महीने कुछ आएगा, आज एकदम मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, तो वो क्या है, कुछ साइकोलॉजिकल कुछ है या कुछ ऐसा क्यों होता है? भाई तुमने जोड़ा बहुत गलत चीज से उसको। किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आना एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, और पढ़ाई में मन ना लगना एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है, समझा गया? तो पहली बात तो आपने जो एग्जाम्पल से जोड़ा है वो गलत है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सर्टेन है, अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कोई बीमारी है, ठीक। लेकिन अगर किसी का पढ़ने में मन नहीं लग रहा और ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका तो बीमार है, ऐसा नहीं होता, ठीक बात है। तो आपने यूट्यूब पर कोशिश अच्छी की है पर कामयाब नहीं है। देखो ये ठीक है, देखो आपका पढ़ने में मन ना लगना इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना अपने ड्रीम को या अपने लक्ष्य को लेकर के सीरियस है। सीधी बात, अगर आप अपने ड्रीम को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के आपके अंदर कोई फिक्र नहीं है, तो फिर आपका हो सकता है पढ़ने में मन ना लगे। वो फिक्र आपके अंदर से अगर चली गई तो फिर आप शायद नहीं भी पढ़ोगे। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि एक साइकोलॉजिकल न्यूट्रलिटी आती है। कभी कभी आपका मन लगेगा, मन करेगा सब कुछ छोड़ के भाग जाए, कहीं एकदम शांत पहाड़ वहाड़ टाइप की जगह पे जाए जहाँ ये सब टेंशन ना। देखो ये बात आपको महसूस होगी लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाओगे, है ना। और मन को मारना जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप मन पे काबू नहीं पा पाएंगे, और जब तक आप मन पे काबू नहीं पा पाएंगे तब तक आप अपने मन के से वो काम नहीं करा पाएंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी इच्छाओं के विरुद्ध चलना पड़ता है। आप कहेंगे जी मेरा पढ़ने में जब मन ही नहीं लग रहा है, मैं किताब लेके बैठूंगा तो क्या फायदा। मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि अगर आप 4 घंटे बैठते हो, पढ़ाई करते हो, 4 घंटे आपका मन नहीं लगता, खाली पन्ना पलटते हो, हेडिंग ही हेडिंग खाली दिख रही है सामने, तो कम से कम उस 4 घंटे में आपने हेडिंग तो देखी। इट इज बेटर टू बी जीरो, वन इज बेटर देन जीरो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्लियर है। तो आप उस चीज को कभी भी बढ़ावा मत दीजिए कि मेरा मन नहीं कर रहा है तो हम ना पढ़ें, क्योंकि मन जो होता है वो आपका कुछ नहीं है, दैट इज ओनली अ हार्मोनल एक्टिविटी जो आपके दिमाग में क्रिएट हो रही है, आपके न्यूरो ट्रांसमीटर और न्यूरो इनहिबिटर का खेल चल रहा है। जिस एज में आप हैं उस एज में ज़्यादा होता है, तो आपके हार्मोन्स आपसे बहुत कुछ करवाना चाहते हैं, और जब आप उस तरफ मुड़ जाते हैं तो वो हो भी जाता है, और फिर अगर गलत हो जाता है तो पछतावा भी होता है। तो आप इस वक्त अपने हार्मोन से कंट्रोल हो रहे हैं, वो सेटल्ड नहीं है, इस वक्त आपका हार्मोन सेटल नहीं है, ठीक। जब आपकी उम्र 25 साल से ऊपर हो जाएगी तो आपका हार्मोन सेटल हो जाएगा, ठीक बात है। तो जस्ट थिंक ऑफ कि आप अपने हार्मोन से कंट्रोल मत होइए, अपने ड्रीम से, अपने गोल से कंट्रोल होइए, ठीक। जो आपके लक्ष्य की डिमांड है आप उसे पूरा करिए, जो आपके मन की डिमांड है उसे पूरा मत करिए। अगर आप बैठ के पढ़ते हो, सिर्फ मन नहीं लग रहा है, 2 घंटे किताब भी पढ़ते हो, कोई इश्यू नहीं, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, इट्स ओके, बट यू हैव अप्लाइड द फोर्स ना, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो है कि नहीं है।
आपको कभी इस बात की तकलीफ तो नहीं होगी कि मैंने इफर्ट नहीं डाला, राइट? इफर्ट करिए, ठीक हो गया सवाल? और किसी का कोई सवाल? यस। और किसी का? बहन आपका सवाल है? किसी का और कोई सवाल है? नहीं है भैया, वो उधर हमारे भाई को दे दो, कामदेश्वर भाई। बहनों में किसी कोई सवाल नहीं क्या है? तो हाथ उठा के पूछे सवाल। अच्छा, कई लोगों को लाज आ रही होगी कि मैं क्या सवाल पूछूं। अब सवाल पूछिए, कोई इशू नहीं। और हम लोग एक फैमिली की तरह बात कर रहे हैं इस समय। कुछ को लग रहा मैं सवाल पूछता हूँ, मेरे लोग गलत ना समझ लें। भैया पानी मिलेगा क्या? हाँ जी, पूछिए कामदेश भाई। सर ये सवाल क्यों सत्य है? माइक थोड़ा करीब लाइए, आवाज़ नहीं है। सर सवाल ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन हम थ्योरी में ज़्यादा उलझ के रह जाते हैं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन का मौका कम मिलता है। तो सर जैसे जो ड्रॉपर हैं जिन्होंने थ्योरी काफ़ी हद तक पढ़ रखी है, तो उनको ऐसा नहीं चाहिए कि वो पहले क्वेश्चन के थ्रू अपनी थ्योरी रिवाइज कर लें और क्वेश्चन इससे ज़्यादा प्रैक्टिस का चांस मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा भैया ने। क्यों सर, थ्योरी तो मैं कई बार कर लेता हूँ, लेकिन क्वेश्चन मेरा रह जाता है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर पे थ्योरी पे मैं आ जाता हूँ। देखिए पहली बात, थ्योरी आपकी हो गई है, इस बात का लिटमस टेस्ट क्या है? थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली है या थ्योरी आपकी प्रिपेयर है, इस बात को कैसे आप जान पाते हैं? सर अरे रुको भाई, उनको बोल दो। जी जितना सर फिजिक्स की बात करें, सर जितना आपने पढ़ाया है, तो सर चाहे वो नोट्स हैं आपके जो भी, उसमें सर एक एक चीज, एक एक लाइन, वो पूरी फॉर्मूला सब कुछ आता है। अगर आप आपको कैसे पता कि वो आपको आता है? ये तो आपका ही दिमाग आपसे कह रहा है, सही बात है? यस सर। पहली बात, आपको ये क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहिए कि जो थ्योरी मैंने पढ़ी है एग्जैक्टली वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से कंठस्थ है या नहीं। वेरी फर्स्ट पॉइंट, उसको क्रॉस चेक करने का तरीका होता है। मैं तरीका बता देता हूं। कॉपी बंद कर दीजिए, चैप्टर अगर दिखने लग जाए, चैप्टर दिखे, पहला पेज में ये है, दूसरे पेज में ये है, तीसरे में ये, यहां पर फॉर्मूला लिखा, यहां पर ये, कॉपी बंद करके, बुक बंद करके, तो समझ जाइए आपकी थ्योरी ओके है। अगर इसमें कहीं कमी है तो इसका मतलब ये आपकी थ्योरी तैयार नहीं है। एक्चुअली आपने उसको कई बार पढ़ लिया तो आपको लग रहा है कि वो तैयार है। आप किसी भी थ्योरी को कंप्लीट तभी मानिए जब वो आपके दिमाग में नाच रही हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो। मैंने आपसे कहा फिजिक्स का कोई चैप्टर, तो मान लीजिए आपने मेरे नोट्स बना रखे हो, तो उसी समय आप देख लीजिए कि क्या नोट्स में से जो जितने भी टॉपिक हेडिंग वाइज लिखाए गए हैं, क्या वो आपको दिख रहे हैं? आंख बंद करो, वो दिखना चाहिए, राइट? केमिस्ट्री में आपने जिस भी बुक को, जिस भी चीज को फॉलो किया है, अगर आप बायोलॉजी में एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते हैं, तो आपको सारे हेडिंग्स याद होनी चाहिए कि इतनी हेडिंग्स थी, उसमें ये था, उसमें ये था, उसमें ये था। यानी आपको चैप्टर के स्केलेटन और स्केलेटन पे चढ़ा हुआ मांस, ये दोनों याद है, तब आप समझिएगा कि आपकी थ्योरी तैयार है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, थ्योरी को याद करने के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये भी बताऊंगा मैं। किसमें? फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, सब में। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपके अंदर एक बात आएगी, आपका ध्यान, आपको पता चलेगा कि आप कितना ध्यान दे रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, स्यूडो फोर्स का एक टॉपिक है, आपको क्वेश्चन लगवाया कि आप समझ गए, सीख गए सब कुछ, लेकिन शायद किसी बात पे आपने बहुत ध्यान नहीं दिया। बात समझ तो गए पर वो ध्यान में नहीं है। जब उस पे सवाल पूछ दिया जाएगा तो ध्यान आ जाएगा, ओहो ये बात है, राइट? तो कभी भी आप थ्योरी को मुकम्मल नहीं कहोगे, कंप्लीट नहीं कहोगे, जब तक क्वेश्चन ना लगाए जाए, ठीक बात है? तो थ्योरी का कंठस्थ होना और कंप्लीट होना, दोनों में फर्क होता है, राइट? थ्योरी प्रिपेयर होना और थ्योरी कंप्लीट हो जाना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। आपने प्रिपेयर कर ली एक बात है, कंप्लीट हो गई दूसरी बात है। कब कंप्लीट होगी? जब आप क्वेश्चन लगा लोगे। तो यह बात निश्चित है कि जब भी आप क्वेश्चन लगाने जाओगे आप कहीं ना कहीं फंसोगे जरूर। उसके लिए आपको थ्योरी देखनी पड़ेगी। तो आपका तरीका यह है कि आपने 10-20 क्वेश्चन किया, या फिर आप ये तरीका अपना लीजिए, आप पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके बाद जो एक सामूहिक क्वेश्चन होते हैं वो लगाइए। उस टेक्निक का यही मतलब ही होता है कि आप पहले टॉपिक वाइज चीजों को तैयार करते जाइए, फिर
ओवरऑल चीजें होते हैं, ठीक है। yes. तो थ्योरी प्रिपेयर और थ्योरी कंप्लीट, ये दोनों में फर्क है। थ्योरी कंप्लीट उसी टाइम होगी जब आप न्यूमेरिकल्स या उससे संबंधित क्वेश्चंस लगा लोगे, तब जाकर के आप बोलिए कि आपका चैप्टर तैयार है। लोग या बच्चे ये मानते हैं कि हमने थ्योरी पढ़ ली इसका मतलब मेरा चैप्टर तैयार है, पर क्वेश्चन नहीं लग रहा है, अक्सर लोग बोलते हैं मैं चैप्टर तो तैयार है, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली पर क्वेश्चन नहीं लग रहा। अभी आपका चैप्टर ही नहीं तैयार है, और चैप्टर कंप्लीट होने की तो बात ही मत करो। अगर आप किसी भी चैप्टर को हवा में नहीं देख पा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि वो चैप्टर तैयार अभी नहीं, अभी उसको तैयार होने में आपको कई बार पढ़ने की जरूरत है। अगर मैं आपसे कह दूं रैंडमली, आपने मान लीजिए 6-7-8 चैप्टर जो भी पढ़ रखे हो, रैंडमली आपसे कोई भी सवाल पूछ दिया जाए जो आपकी नोट्स में मौजूद है तो आपको याद आ जाना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी खट से अच्छा ये था। अगर इस लेवल पे आपको चीजें याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हम जब क्वेश्चन लगाते हैं इट वर्क्स सबकॉन्शियसली नॉट कॉन्शियसली। कैसे काम करता है हमारा दिमाग? सबकॉन्शियसली। क्यों? क्वेश्चन पढ़ रहा है और सॉल्यूशन भी ढूंढ रहा है। नहीं समझे? क्वेश्चन भी पढ़ रहा है और solution. दो काम कर रहा है ना एक साथ, क्वेश्चन को समझ भी रहा है और क्या ढूंढ रहा है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वरना वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा कभी, ठीक, फिर वो फंस जाएगा, फाइल नॉट फाउंड। समझ गया? तो बात ये है, क्लियर। अब आपने एक जो बात और बोली उसको एड ऑन कर देते हैं कि थ्योरी पढ़ने में हमारा ज्यादा समय चला जाता है, आपको इसीलिए कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है, क्लियर, क्योंकि थ्योरी तो बेशुमार है। अब कोई पढ़ना चाहे तो पूछो मत कितनी थ्योरी है। कोचिंग में मौजूद टीचर सिर्फ और सिर्फ आपके किसी भी टॉपिक में बाउंड्री खींच देता है, ठीक, और उस टॉपिक के मेन मेन जो पॉइंट है उसको इंडिकेट कर देता है। तो आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे टीचर ऐसा करते हैं, इसीलिए टीचर टू टीचर चीजें वैरी भी करती हैं। आप कुछ टीचर्स को अच्छा भी कहते हैं और कुछ टीचर्स को कम अच्छा भी कहते हैं। अच्छे सारे टीचर होते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा अच्छा है कोई कम अच्छा है, निर्भर करता है उसका तजुर्बा कितना, उसने सब्जेक्ट पे काम कितना किया, तो वो बाउंड्री आउटलाइन करने में कामयाब हो जाता है। तो उतना ही आउटलाइन आपको लेना है, उसी आउटलाइन से काम करना है। अच्छा, टीचर का आउटलाइन ठीक है कि नहीं ठीक है, इसको कैसे चेक किया जाए? टीचर को रिलीजियसली फॉलो करिए और देखिए कि क्या हमारे क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, या क्वेश्चन क्या उसी में से आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर वो है तो बेहतर है, नहीं तो फिर आप चर्चा करिए और बाउंड्री का निर्धारण फिर से करिए। ये हम कर सकते हैं। जब आपके पास बाउंड्री नहीं होगी तो आप 75 किताब पढ़ोगे। बच्चे अक्सर करते हैं, कोई भी नया मॉड्यूल देख लिया, कोई भी नई किताब देख ली, किसी और जगह का, किसी और का देखा, सूंघा, काफी अच्छी खुशबू है, रंग बिरंगी है, इसका मतलब ये मेरे वाले से बेहतर है। हिंदुस्तान में जितनी कोचिंग चल रही है सभी का मटेरियल बेहतर है, सिर्फ लैंप लाइटर का नहीं, किसी का भी मटेरियल। शर्त यह है कि उस मटेरियल को आप यूज कैसे करते हैं। समझ आया कि नहीं आया? मटेरियल खराब अच्छा नहीं है, उसकी यूज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप, अब आपको बायोलॉजी में तो पता है कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं है तो काहे नहीं पढ़ ले रहे हो, केमिस्ट्री में पता है कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ काहे नहीं पढ़ ले रहे हो, और फिजिक्स आप मेरे से पढ़े जो हम पढ़ाएंगे उसके बाहर नहीं है तो काहे नहीं पढ़ ले रहे हो, बात खत्म। तो यू हैव टू ड्रॉ बाउंड्री इन योर सिलेबस, और जब तक वो बाउंड्री नहीं खींचोगे तो आप फिर तो वृहद होता चला जाएगा, फिर तो खत्म ही नहीं होगा, ठीक बात है। और चार किताब से नहीं पढ़ना है, एक सोर्स चुनिए, उसी पर भरोसा करिए, काम खत्म। सोचते हैं यहां से भी देख ले, वहां से भी देख ले, उस जगह नहीं होता, ठीक बात है। तो ये आपको ध्यान रखना, राइट। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, बहन के पास लाइए माइक, हाथ ठीक से उठाया करो। अच्छा, आपके पास आपका सवाल, आपका भी सवाल। अच्छा, पहले बहन को, इन बहन को दे दो, ये हमारे हिंदी में पूछना, ठीक है सर। एग्जाम टाइम माइक करीब, एग्जाम टाइम में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेरे से फंसते हैं जो मुझे आ रहे होते हैं,
तो उसमें इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि उसको अटेम्प्ट करे या ना करे, और उसको छोड़ने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर छोड़ देते तो फिर घर जाके लगता है कि सही तो था, कर देना चाहिए था इस ऑप्शन को, और अगर कर देती हूँ तो एक आध तो गलत भी हो जाते हैं, मतलब बायो हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में ही सर। आपके सवाल का दो पॉइंट है। पहला सवाल ये है कि जो एग्ज़ाम में जब हम देते हैं एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है, और दूसरा पार्ट ये है कि अगर कन्फ्यूज़न हो तो क्या करना चाहिए, ना करें तो भी दिल है कि मानता नहीं, और कर दे तो दिल जो जानता है वो भी ठीक नहीं है, ना यही सवाल है आपका। पहली बात ये है कि कभी भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देख के कन्फ्यूज़न क्यों होता है, कन्फ्यूज़न का सीधा संबंध है कि आपने मेहनत ही नहीं की उस पर, सीधी बात है। क्योंकि कन्फ्यूज़न का मतलब आपने उस टॉपिक को देख रखा है पहले, लेकिन वो कंठस्थ नहीं है क्योंकि आपने उसको कई बार नहीं पढ़ा, ठीक। तो पहला तो ये बात हो गया कि कन्फ्यूज़न का ये मतलब नहीं कि आपका दिमाग कमज़ोर है, कन्फ्यूज़न का ये मतलब नहीं कि आपको पता नहीं कैसे पढ़ाया गया, कन्फ्यूज़न का मतलब लैक ऑफ रिपीटेशन। आप बोलोगे नहीं जी मैं तो 5-6 बार पढ़ के गई थी लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न हो गया। एक्चुअली हर व्यक्ति का थ्रेशोल्ड वैल्यू अलग अलग होता है, कोई एक बात को 2 बार में पढ़ के सीख लेता है, स्वामी विवेकानंद सुनते हैं 1 ही बार में सीख लेते थे, कोई 4 बार में भी नहीं सीख पाता, 5 बार लगता है, कुछ लोग को 10 बार भी लगता है। तो वो बार कितना लगेगा वो डिपेंड करता है उसका अपना क्या थ्रेशोल्ड है, लेकिन अगर आपने जितनी भी पढ़ी उसमें लैक है तभी कन्फ्यूजन आ रहा है, पहला। दूसरा क्या करना चाहिए, तुक्का मारना है। देखो फाइनल एग्जाम अगर है नीट का, यानी जिस दिन आप नीट का एग्जाम दोगे और उस दिन भी ये स्थिति है, तब तो आपको एक तुक्का मारना चाहिए और तुक्का मारने का तरीका सीखना चाहिए, वो मैं आखिरी में बता दूंगा, यूट्यूब पर भरा पड़ा देख लेना, बहुत लोग तुक्का मारना सिखाते हैं। लेकिन जब आप नीट का मेन एग्जाम नहीं दे रहे हो तो आपको इतना संयम रखना चाहिए कि जो नहीं आ रहा उसे छोड़ दे और उसका सामना सामने से करे कि यार मुझे नहीं आता था इसलिए मैंने नहीं किया, राइट। क्योंकि भाई इसमें जो नंबर आएगा वो आपका कोई फाइनल नंबर तो है नहीं, लेकिन यहां पर एक चीज हो जाएगी, आप अपने मन पे काबू करना सीख लेंगे, आप फालतू के क्वेश्चन में टिक नहीं मारेंगे, यानी आप निगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना सीखेंगे। तो हमें निगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना भी यहां सीखना है, ठीक है। लेकिन जब हमारा फाइनल एग्जाम होगा अगर उस दिन कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हमें जरूर तुक्का मारने पर जाना चाहिए, लेकिन तुक्का मारने की टेक्निक के साथ, ठीक। हाँ बहन को दीजिए, उनका सवाल है कुछ। अपना नाम भी बताया करिएगा आप लोग, जैसे यूट्यूब पर आ रहा है तो ज्यादा अच्छा। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है, नाम बहन मंतिशा। अच्छा सर ये क्वेश्चन है कि माइक करीब, जब फिजिक्स लगाते हैं मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं और फिर उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ती है क्वेश्चन लगाने की, मतलब फार्मूला भी पता होता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, पर अप्रोच नहीं समझ आती कि कैसे क्वेश्चन लगाएं और फिर छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए पहली बात तो मैंने कहा कि जैसे क्वेश्चन देख के डर लगता है, फार्मूला भी पता है और कॉन्सेप्ट भी पता है, ये दोनों बड़ी विरोधाभासी बातें हैं बहन। जिस बच्चे को फार्मूला और कॉन्सेप्ट पता होगा उसे क्वेश्चन से कभी डर ही नहीं लग सकता, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आप इस गलत फहमी में जी रही हो कि आपको फार्मूला और कॉन्सेप्ट पता है, एक्चुअली पता नहीं है, समझ रहे हैं आप। होता क्या है कि जब हमको कोई चीज हम पढ़ते हैं और हमें उस वक्त समझ में आ रही होती है तो हमें लगता है यार सब हमको समझ में आ गया है, राइट। जब आप टीचर के मुंह से कोई बात सुनते हैं तो वो टीचर की बात होती है, जब उसे आप उस पर जाके मेहनत करेंगे तब वो आपकी अपनी बात बनती है। यानी मैंने अगर आपको कुछ पढ़ा दिया तो वो मेरे दिमाग में चल रहे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले हैं, पर वो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आपके दिमाग में सेटल हो चुके हैं, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये है बहन कि अगर ऐसा होता है कि क्वेश्चन से आपको डर लग रहा है तो आप का फॉर्मूला और ये सब तैयार व्यार नहीं है, ठीक है। जिसने जंग की तैयारी कर ली हो वो जंग से डर ही नहीं सकता। दूसरा, डर लगता है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है दुनिया। एक बात हमेशा याद रखिए कि हम लोग तय करते हैं खुद कि हम हमारी औकात क्या है। अगर आप अपनी औकात नहीं तय कर सकते हैं तो लोग आपकी औकात तय करेंगे, सीधी बात बता दे। अगर आप ये नहीं मानते हैं कि यार हम इसको छोड़ेंगे नहीं तो आप उसे कभी नहीं सीख सकते। आपको साइकिल चलाने आता है,
आता है, पहले दिन ही सीख गई थी, पहले दिन चला पाई थी या नहीं चला पाई थी? नहीं। तो क्या किया था आपने? छोड़ दिया था अगले दिन? गिरी है कभी साइकिल चलाते समय? फिर छोड़ दिया आपने? क्या किया आपने? आपको बहुत डर लगा, खून आया होगा, चोट लगी होगी तो खून आया होगा। बहन कहाँ चोट लगी, खून आया होगा, चोट लगी खून आया, आपने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? डर लगा आपको कभी? डर लगा तो आपने छोड़ दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एक एम बना रखा था, साइकिल चलाएंगे ही चलाएंगे चाहे जो हो जाए। ये नेचुरल प्रोसेस है। जब भी आप किसी चीज को करने जाओगे आपको डर लगेगा, राइट? अगर आप मेरे से भी कहोगे कि आपको कोई नई चीज करनी है तो मुझे डर लगेगा, लगेगा डर। लेकिन वो मेरा एक छोटा सा आत्मविश्वास कि जो होगा देखा जाएगा, वही हमें आगे बढ़ा सकता है, और कोई चीज नहीं। भैया को बताओ तो उनको जो देखो लौट रहे हैं वो सब। ठीक बात है। और किसी का प्रश्न? बहन को, बहन कह दीजिए। सर मेरा नाम त्रिका प्रताप है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मतलब सार कोई चैप्टर पढ़ लिए हैं, उससे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है कि मतलब नहीं आया अभी, तो इसको हैंडल कैसे करें? आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है? यस सर। मतलब चैप्टर पढ़ लिया है, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए हैं आपसे? यस सर। लेकिन एक डर भी बना हुआ है, यही पूछना चाह रहे हैं। यस सर। इसको कैसे आप ओवरकम करें? यस सर। ठीक है। अच्छा मैं बता दूं, हम लोग के पास में 15 मिनट और है, तो जिनको जिनको सवाल पूछना होगा पूछ लेगा, एक घंटे का सेशन। तो देखिए सबसे पहली बात यह है बहन कि इस दुनिया में कभी कभी जो यकीन होता है वो उधार लेना पड़ता है और यकीन हासिल भी करना पड़ता है, दोनों चीजें। अगर आप जिंदगी में कभी यकीन हासिल ना करें या उधार ना लें तो हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम किसी चीज पर यकीन करें। समझिएगा, जैसे आप अपने पिताजी की गोद में बचपन में चली जाती होंगी, yes, और जब वो आपको ऊपर उछालते होंगे तो आप हंस रही होंगी, ऐसा बच्चे करते हैं अक्सर। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये यकीन है कि ये जो व्यक्ति मेरे को उछाल लाए ये मुझे वापस कैच कर लेगा। yes, अगर उसे ये यकीन हो जाएगी ये कैच नहीं करेगा तो बच्चा हंसेगा कि रोएगा? रोएगा। समझ रहे बहन? सेल्फ डाउट आपको आता रहेगा, ये हमेशा है, ये एक बहुत सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज मैं भी मैं तो आप लोग के रिस्पेक्ट में काफी बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरा भी सेल्फ डाउट बहुत रहता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, ये मुझे भी डाउट रहता है। ये डाउट कभी खत्म नहीं होगा मेरा, इसलिए नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, इसलिए कि मनुष्य के अंदर एक खालीपन हमेशा रहता है। ठीक, वो उस पर ज्यादा फोकस करता रहता है। क्लियर है? तो वो आपके पास हमेशा रहेगा, उससे आप कभी भी नहीं होगा। मैं इसका एक ही सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, जब कभी भी लगे कि यार चैप्टर में कुछ कमी है क्या, फौरन जाइए 10-20 क्वेश्चन लगा लीजिए। यही मैं करता था जब मैं पढ़ता था, तो मैं ही करता था, लेटे रहते थे, अचानक कोई चैप्टर याद आता था, लगता था अरे यार वो लग रहा है थोड़ा कुछ ठीक नहीं है, जा करके फिर से 5-10 क्वेश्चन लगा लेते थे, फिर दिल को मेरे तसल्ली मिल जाती थी। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो डर है, ये आपका कोई दूर नहीं करेगा, ये खुद ही आप दूर करेंगे, खुद ही उस चीज़ को आप सही कर पाएंगे। ठीक बात है? या फिर आपको उधार लेना पड़ेगा, जैसा मैंने आपसे कहा आपको यकीन उधार लेना पड़ता है, जैसे मैंने कह दिया नहीं आप सिलेक्ट हो सकती हो, तो वो यकीन आपको उधार लेना पड़ेगा मेरे से कि अरे ये कह रहे हैं तो कोई बात होगी, है ना? तो या तो आप यकीन उधार लेते हैं या यकीन जनरेट करते हैं, ये दोनों तरीकों से ही आप यकीन हासिल करेंगे। वरना हमारी जिंदगी, हम जो ह्यूमन जो क्रिएशन ऑफ गॉड है ना, वो शक की तरह अपनी जिंदगी जीता है, मतलब वो डाउट में हमेशा जिंदगी को जीता है। ठीक बात है? जैसे ही कोई आप सड़क पर जाओगे कोई पूछ देगा कि खाना खाएंगे, जहर तो नहीं मिला है, राइट? यू ऑलवेज डाउट ऑन सिचुएशंस, पीपल, वॉट एवर, है ना? तो वो आपके ऊपर रहेगा, सेल्फ डाउट रहेगा। तो आपने अगर बहुत काम किया है, जब आप और काम करोगे तो वो सेल्फ डाउट धीरे धीरे कम होता जाता है। अब जैसे मेरे से कोई कह दे कि आपको लॉन्ग टर्म मोशन पढ़ाने, पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, तो भाई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बुढ़े हो गए, इतना पता है, इतना घिस गए हैं कि गड़बड़ी कर चुके हैं, जितना मुझे करना था मैंने कर लिया, अब गड़बड़ी होने का चांस लेश मात्र है। हाँ, लेकिन 100% अभी भी श्योर नहीं हूं। क्लियर है? उसका परसेंटेज कम हो गया बस। ठीक, और किसी का कोई प्रश्न? इसने हाथ उठाया था तो हमारा, बहन को देना भैया, इन बहन को दो, फिर कोई भाई, भाई कौन हाथ उठाया था?
इन मैन को, ये मैन को। हाँ मैन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलने में थोड़ी मुश्किल होती है, अगर केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करो तो मार्क्स तो टेस्ट में अच्छे आते हैं मगर फिजिक्स लैक होने लगती है, और अगर फिजिक्स पे फोकस ज़्यादा करो तो मार्क्स फिर टेस्ट में कम होते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करें? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए किसी भी सब्जेक्ट मैनेजमेंट का कोई सेट पैटर्न नहीं होता, ठीक। अगर आपने किसी से पूछा कि एक बात बताइए मेरा तीनों सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो रहा मैं क्या करूं, तो जब मेरे से आप पूछेंगे तो मैं सोचूंगा पता नहीं क्यों ऐसा बोल रही है, ये तो ऐसे ऐसे किया जा सकता है, ठीक। आपके अंदर एक, देखो आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन सेलेक्ट कौन होगा? जिसके अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, ठीक बात है। आपको मैनेजमेंट करने की क्षमता डेवलप करनी होगी, क्लियर। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमेशा इज्जत करनी होगी अपने पास मिले हुए टाइम की, जो समय आपके पास 24 घंटा है उसकी आपको कदर करनी हो। ज्यादातर लोग उसकी इज्जत नहीं करते, लोग समझते हैं समय कमा देते हैं और पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि समय पैसे से ज्यादा कीमती चीज है, क्योंकि एक बार आपने समय कमा दिया तो वापस नहीं आएगा, पैसा आपसे कोई लूट ले फिर आप कमा लोगे। तो समय को एक संपत्ति की तरह यूज करिए, आप ऐसा समझिए कि भगवान ने आपको जो समय दिया है वो एक बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा खजाना है, वो खजाना खराब नहीं होना चाहिए, वो खजाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई महंगा ज्वेलरी है उसमें एक छोटी सी मोती लगी है, सोने की है, अगर वो मोती टूट जाए तो तकलीफ होगी, अरे यार सेट हमारा खराब हो गया। हो सकता है कि पूरे हार के कीमत के रिस्पेक्ट में उस छोटी सी मोती की कीमत ज्यादा ना हो, लेकिन आपको एहसास होता है यार इतना कीमती, उससे बहुत ज्यादा कीमती आपका 24 घंटे का जो हार आपको दिया है भगवान ने, उसमें से 5 मिनट की मोती भी अगर खो गई तो आपका बहुत बड़ा लॉस है। आप नहीं समझे, समझ गए? तो वेरी फर्स्ट थिंग आपको अपने टाइम को लेकर के बड़ा ही जो है वो केयरफुल होना पड़ेगा, द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, आपको कोई भी टीचर, कोई भी दुनिया का मनुष्य आपके लिए यह ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ना कोई जानता था, ना कोई जानता है और ना कोई जानेगा, ये भी बात जान लो, ठीक है। चाहे कोई हो दुनिया का, कोई कितना भी कहते कि हम तुम्हें समझते हैं, ऐसा कोई नहीं होता, सब बंडलवाद है, वो समझता नहीं है एक्चुअली, वो कुछ चीजें जानता है आपके बारे में, सिर्फ इतना ही है। तो आपको करना ये होगा कि आपको अपनी समझ डेवलप करनी होगी कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कितना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, कितना कम इम्पॉर्टेंट है, क्या है, लेस मोर ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आपको चूज करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूशन में लाना होगा, ठीक बात है। आपको ये देखना होगा किस सब्जेक्ट को आप फास्टली कर दे रही हैं, तो उसमें सब्जेक्ट टाइम कम दीजिए, सेम आउटपुट चाहिए आपको फास्ट कर रही हैं फिजिक्स में, या किसी सब्जेक्ट में धीमे हैं तो उसको उस तरीके से टाइम दीजिए। तो ये डिवीजन करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। लोग अपनी जिंदगी में बहुत प्लानिंग करते हैं सिवाय पढ़ाई के, पढ़ाई में कोई प्लानिंग नहीं करते, पर बैठ जाएंगे दिल क्या कह रहा है इस समय, आओ बायोलॉजी पढ़ें, तो बायोलॉजी पढ़ने लग जाते हैं, थोड़ी देर बाद कहते हैं यार ऊब गए हैं अब चलो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो कोई उनका डायरेक्शन ही नहीं है। तो ये अगर आप करोगे तो कभी भी आप वो हासिल नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। फर्स्ट यू प्लान देन यू अचीव, विदाउट प्लानिंग नो अचीवमेंट, फिर तो वही होगा जो होना है, वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं कि होना है, क्लियर है। तो आपको उस हिसाब से चलने की जरूरत। और किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा भैया को दो, आप एक बार पूछ चुके हैं, पहले भाई को प्रायोरिटी दे दे फिर। सर मेरा यह है कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? डिसिप्लिन के ऊपर मैंने आपसे कहा है कि एक एटीट्यूड सेशन लेंगे हम, वैसे सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें कि भैया ने एक सवाल करा कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें,
भाई खड़े हो जाइए एक मिनट के लिए। शुभ नाम क्या आपका? राहुल भाई। राहुल सैनी। राहुल जी, राहुल एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, फिर 7 बजे कोचिंग आनी है, 7:30 बजे कोचिंग आनी है, फिर ये क्लास करना है, फिर यहाँ से जाना है, फिर ये बैठ जाना, आपको क्या लगता है अगर मैं ये शेड्यूल लिख करके दे दूं तो कितना परसेंट चांस है कि आप इसको 100% फॉलो करेंगे, मतलब करेंगे ही करेंगे फॉलो, कितना परसेंट चांस है? 80-90%। 80, मैं इसको 70 मान लेता हूँ, 60-70, ठीक है, सेफर साइड, इतना तो चांस है कि आप मानेंगे। अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल करता हूँ, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे कई दिनों से तकलीफ हो रही है और ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा क्या है। डॉक्टर आपको देखता है, चेकअप करता है, आपका टेस्ट करता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करता है, बोलता है भाई साहब आपका किडनी फेल हो गया है, अगर आप सुबह 5 बजे नहीं उठेंगे तो आप मौत आ जाएगी आपकी, अगर आप 7 बजे 7:30 बजे कोचिंग नहीं जाएंगे तो फिर आप समझो मर ही जाएंगे, फिर आप गए, किडनी आपकी गई, फिर आपको 3 बजे आना है और 3 बजे आकर के फौरन खाना पानी पी के बैठ जाना है, क्योंकि वो किडनी अपना काम फिर उसी हिसाब से करेगी, और फिर आपको 12 बजे सोना है तो किडनी आपकी फंक्शनिंग अच्छा करेगी, वरना फिर आप समझो आपका काम समझे, किडनी फेल है, कभी भी मौत हो सकती है। अब मुझे बताओ कितना परसेंट चांस है आप रूटीन फॉलो करो? सर 100%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अभी आप जो भी लक्ष्य आपने जीवन में बनाया हुआ है वो बहुत क्लियर नहीं है आपको, समझ रहे हैं, और उसके प्रति आपके मन में जुनून नहीं है, चाहत है पर जुनून, ख्वाहिशें तो हैं आपकी लेकिन कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है आप अभी, समझ रहे हैं आप, अभी आप उस मोड में नहीं आए हैं, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपकी समझ अभी अपने लक्ष्य से उतनी मोहब्बत नहीं करती है, चाहत रखती है कि मिल जाए तो अच्छा है और नहीं मिले तो फिर कोई बातें नहीं, ये आप नहीं कहते लेकिन ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है। जिस दिन आपको ये बात पता चल जाएगी कि मैंने ये काम नहीं किया तो मेरी मौत, मेरे करियर की मौत, जिस दिन ये रियलाइज हो गया उस दिन किसी को नहीं बोलना पड़ेगा कि राहुल भाई सुबह 5 बजे उठिए और 8 बजे जाइए और ये करिए, कोई नहीं बताएगा आपको, आप खुद करोगे, ठीक। बाकी जो चीजें अगर मैं आपको कोई सोल्यूशन बता दूं कि ये अलार्म लगाइए, ये फला करिए, ये चिला करिए, ये सब चूरन चटनी वाली बात है, फिर से आपको वहीं पहुंचाने वाली बात है जहां से आप चलेंगे। अलार्म लगाया, अरे अलार्म लगाओगे, स्नूज का भी तो ऑप्शन होता है, नहीं होता क्या? अरे होता कि नहीं होता? मैं ये नहीं कह रहा हूं अलार्म नहीं लगाना चाहिए, अलार्म लगाना चाहिए, मैं भी अलार्म लगाता हूं, अलार्म से उठता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि उस टाइम की मेरी रेगुलरिटी मेंटेन हो जाए, 6-7-8 दिन में अपने आप फिर आंख खुलने लग जाती है, फिर 1-2 दिन अगर मान लीजिए नहीं, देर से उठते हैं तो आंख मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, फिर नींद, फिर साइकिल को सेट करते हैं, तो साइकिल सेटिंग के लिए आपको अलार्म चाहिए लेकिन आपको उठने के लिए अलार्म नहीं चाहिए होता है, समझ आ गया? आप जब तक अलार्म से उठ रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप अभी जागे नहीं हैं, अभी आपकी मोहब्बत अपने लक्ष्य से नहीं है, तो पहले वो मोहब्बत पैदा करिए। अब आप मेरे से ये सवाल करोगे, एक बात बताइए, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, एक्चुअली देखिए लोग टेक्स्ट में लिख देते हैं आई लव यू ए लॉट, मोहब्बत जो है वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये बात याद रखिएगा, जो आपके अंदर होता है वही मोहब्बत है, जो बाहर है वो दिखावा है ना, आपके जो अंदर चल रहा है वही मोहब्बत है, वरना बाहर बाकी की खत्म करना है क्या? अच्छा बस 5 मिनट, तो बाहर की चीजें सब दिखावा है, सब ढोंग है, स्वांग है ना, किसी को आपने ले जाके, मैं ऐसा कह आपको नहीं कह रहा हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को ले जाके फूल दे दिया, देखो मैं तुम्हारे फूल ले गया, समझ आ रहा है, और उससे बात तेज आवाज में कर देता है, तो ये मोहब्बत थोड़ी है, आपने तो उसका अपमान कर दिया, उससे तेज आवाज में लाउड बात करके उसका डिसरिस्पेक्ट कर दिया, इट इज नॉट मोहब्बत। फिर आपने इसका मतलब वो फूल जो था वो आप धोखा देने के लिए दिए थे, समझ में आया? आप कोचिंग आ रहे हो, क्लास कर रहे हो, आईडी कार्ड लटकाए हो, नीट एस्पायरेंट बोलते हो, ये मोहब्बत नहीं है मेरे भाई, ये आपकी नीट के प्रति, सिलेक्शन के प्रति मोहब्बत नहीं है,
सिलेक्शन के प्रति मोहब्बत का मतलब ये हो गया कि आपने तय कर लिया है कि मुझे सेवा करनी है लोगों की और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। That's it. मुझे रिच बनना है, अमीर बनना है, इसलिए अमीर नहीं बनना है कि हमको पैसा गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए इसके लिए। पैसा अमीर इसलिए बनना है कि ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। हमारे पास ही नहीं होगा तो हम कहाँ से किसी को देंगे, है ना? तो एक वो चीज़ होती है। क्लियर है? तो अभी है ना, और कोई सवाल भी है राहुल भाई? सर थैंक यू वेरी मच। भैया को दो, भैया को माइक दो, बस एक दो सवाल और लेंगे। किसी का सवाल बाकी है तो जल्दी जल्दी पूछ लो। मैं बस फिर लास्ट में मैं 10 मिनट लूँगा, 10 मिनट में ख़त्म। सर सवाल ये है कि सर बायो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो पढ़ लेते हैं, फिजिक्स की कैसे पढ़े? फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरी क्लास करते हैं तो। यस सर। आपको मेरी क्लास अगर आप करते हैं तो फिजिक्स में नोट्स इज मोर देन सफिशियंट। और देखिए कोई भी व्यक्ति जब अपने बारे में बोलेगा तो अच्छा ही बोलेगा, हो सकता है मैं भी बोलूँ मैं अच्छा बोलूँ, मैं भी आपको बेवकूफ़ बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र और मेरी उम्र में आधे से कम होगी आपकी उम्र, तो मेरे लिए आपको मूर्ख बनाना बहुत आसान है। इसलिए एक बहुत अच्छी सी चीज़ है कि आप किसी पे फट से यकीन नहीं करें, यकीन करते करते यकीन करें तो बेहतर यकीन होता है। तो आप जाइए, आप देखिए कि आप जो क्वेश्चन लगा रहे हो, जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, क्या वो मेरी नोट्स मौजूद है, क्या उस तरह के रिलेवेंट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, क्या उस तरह की चीज़ें हैं। आपके पास 36 ईयर का पेपर है, वो मेरा तो है नहीं बनाया हुआ, वो मार्केट में मौजूद है, वो NDA नीट का क्वेश्चन है, तो आप उसको देखिए, आप समझ जाएंगे कि हमारा क्या चल रहा है मामला। बाकी आप NCERT बुक के ही क्वेश्चन लगा के देख लीजिए, आप कोई भी अन्य बुक लगा के देखिए कि क्या हमारा मैटर में ये सारी बातें कहीं गई हैं या नहीं गई है। कहीं गई हैं तो इसका मतलब हमारा मैटर मोर देन सफिशियंट। लेकिन मैं ये अपनी तरफ से आपको बोलूँगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, वो साबित भी हो जाएगा। ठीक है? किस अच्छा अभी आपका भी सवाल है, जल्दी जल्दी पूछो भाई, 10 मिनट और है। सर मेरा नाम मोहम्मद इजहार है। मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब की इस वीडियो का टाइटल ही आपका नाम रख दिया जाए। बहुत अच्छा होगा सर मेरे लिए। ज़रूर हो जाएगा अच्छा, जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे आपके नाम का एक टाइटल का ज़रूर बनेगा। हाँ सर, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, आप भी चलाते होंगे? बिल्कुल चलाते हैं, पर जो आप चलाते हैं वो मैं नहीं चलाता। मैं MI के चलाते हैं सर। हैं MI के मोबाइल में? नहीं नहीं नहीं, मैं फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़ोन में जो आप चलाते हैं वो मैं नहीं चला, मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ बताइए। तो जैसे मोबाइल हम चलाते हैं तो मोबाइल डिस्चार्ज भी होते हैं? तो मोबाइल डिस्चार्ज होते हैं, रिचार्ज हम लोग करते हैं। आपका एग्जाम्पल कुछ ऐसा नहीं लग रहा, भयानक टाइप का है। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, मोबाइल डिस्चार्ज होते हैं फिर क्या होता है? तो हम लोग रिचार्ज करते हैं उसको, रिचार्ज के लिए जी। तो वैसे हम लोग माइंड को अपने यूज कर रहे हैं जी, वो भी डिस्चार्ज हो रहा होगा कहीं ना कहीं हो रहा है, तो सोने से कहीं ना कहीं कुछ रिचार्ज भी हो जाते हैं जब हम लोग सोते हैं। तो सर एक इंटरनल पावर कुछ होता है, और जैसे मेडिटेशन वगैरह, मेडिटेशन योगा वगैरह, इंटरनल पावर, ये सब कुछ है या बंडलबाजी है? अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप डायरेक्शन दीजिए हम लोग कैसे। देखो एक बात बता दो, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखिए एक बात समझिएगा, मैंने आप लोगों को वर्क एनर्जी पार एक टॉपिक पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि एनर्जी कभी दिखती नहीं, इट शोज इट्स इफेक्ट, राइट? देखिए इंटरनल पावर, इंटरनल चीज़ें, अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ है कैसी है, इसे मेरे में मुझे छोड़िए कोई नहीं बता सकता, यू है या नहीं है। लगे जो तुक्का तो तीर हो जाए, और फटे जो दूध वो पनीर हो जाए, समझ रहे हो आप? ये जो आप योग की बात कर रहे हैं या किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ, कोई नमाज, कोई योग, कुछ भी, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, दरसर जाना, ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, उससे फायदा हो जाना, ये सब जो है उसके पीछे बस एक कारण होता है, आपका उस चीज पर यकीन कितना तगड़ा है, पहला पॉइंट। ठीक है? आपको जो चीज सूट करती है आप उसे करिए। ये जरूर कहूंगा कि हमारे अंदर इमोशनल एनर्जी होती है जो डिस्चार्ज होती रहती है। आज आप अभी एक घंटे पहले क्लास में यहां बैठे थे, तो मैं दावा करता हूं कि जिस मानसिक अवस्था के साथ बैठे थे अभी वो मानसिक अवस्था नहीं है, वो चेंज हो चुकी है। आप लोग मानते हैं ये बात? नहीं मान रहे हैं?
कुछ थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं कि यार हम इम्प्रूवमेंट करेंगे आज जा करके? आर यू फीलिंग? तो आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे समागम की जरूरत पड़ती है, सत्संग की जरूरत पड़ती है। इसीलिए लोगों को सत्संग और समागम चाहिए और कुछ नहीं, उनका कोई मकसद नहीं होता। इस सत्संग और समागम का आज जो हम लोग कर रहे हैं उसका एक ही मकसद है, हम आपकी इमोशनल एनर्जी को रिचार्ज करते हैं, फिर उसके बाद आप काम करिएगा। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इमोशनल एनर्जी ही रिचार्ज करते रहते हैं। फ्लोरेंस लेटार अपनी बुक में ऐसे लोगों को लवर का नाम देती है। लवर है वो, बस उसी चीज से उनको मजा आ रहा है। तो हमें इमोशनल एनर्जी रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है, पर इतनी भी नहीं कि हम रोज ही रिचार्ज कर रहे हैं। ठीक बात है, आपके पास एक जेन्युइन वजह होनी चाहिए जिस वजह से आप यहां बैठे हो। आपके पास एक कारण होना चाहिए कि आप क्यों आए हो तैयारी करने, क्यों सेलेक्ट होना चाहते हो। ये नहीं कि मेरे पिताजी चाहते कि हम डॉक्टर बन जाए, पिताजी कल से चाहना बंद कर देंगे तो भाग जाओगे छोड़ के, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपके पास अपना एक रीजन होना चाहिए। और इमोशनल एनर्जी डिस्चार्ज होती है, निश्चित होती है। आप उसके लिए चाहे कोई भी प्रकार की प्रार्थना करते हो वो बेहतर है, आपको रिचार्ज कर देगी। इस तरह के समागम में सत्संग करिए, उससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी। और आपकी एनर्जी बढ़ेगी अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। बेकार लोगों के साथ रहेंगे तो फिर वो उस एनर्जी को बर्बाद भी करते हैं, उनके पास कोई और काम नहीं है, वो सिर्फ दुनिया की बातें करेंगे, कौन क्रिकेट खेला, कौन पॉलिटिक्स जीता। मैं आपको एक ही लाइन बताऊंगा कि उस बारे में बात मत करिए जिस बारे में बात करने से आपको कोई फायदा ना होता हो। समझ रहे हैं? इतने मतलबी जीवन में जरूर बनिए। बाकी आपके लिए इमोशनल एनर्जी किस तरीके से रिचार्ज होती है ये आप जानते हैं। सभी लोग अपना अपना पावर नैप जानते हैं कि ये पावर नैप है, इस तरह की काम करेंगे तो हमको थोड़ा मजा आ जाएगा। गलत काम नहीं होना चाहिए, पावर नैप आप ले सकते हैं। ठीक है, तो योग में भी है पावर नैप, पर वो जिसको सूट करता है। अब आप मुझे कहिएगा कि आपका आप योग करेंगे तो क्या आपको आपका ध्यान बढ़ेगा? भैया हमारे योग में कोई और ही ध्यान चला जाएगा। समझ में आया? तो दैट्स इट। ठीक है, और भैया किसका सवाल था? लवी भाई को दे दीजिए, भैया को दे दीजिए। आई होप हम लोग और किसी कोई सवाल तो नहीं है ना? ये तुम लोग क्या ऐसे ही आ गए थे? आपका भी है? नहीं है, कोई सवाल ही नहीं जिंदगी में। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद लवी कमर। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि जैसे कुछ हम लोग अपना बनाते हैं शेड्यूल कि आज मुझे ये करना है काम, तो अगर जैसे उसका कुछ कुछ पार्ट एक चैप्टर नहीं हो पाए, सीधा क्वेश्चन नहीं कर पाए, टाइम चला गया, एक बज गया, तो अगले दिन उसको करें कि उसको कैसे उसको आप कंपनसेट करें जो छूट गया? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप प्लानिंग करते हैं, भैया का सवाल ये है कि जब हम कोई प्लान करते हैं और उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते, तो व्हाट टू डू, जो इनकम्प्लीट पार्ट है उसका हम क्या करें? यही सवाल है। पहली बात तो जब भी आप कोई लक्ष्य बनाइए तो अपनी औकात से, जो आपका मन कहता है कि मेरा इतना औकात है, उससे थोड़ा ज्यादा बनाइए। समझ गए आप? क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, ब्रेन जो होता है, वो कभी भी आपको 100% परफॉर्मेंस नहीं देगा। जब किसी कंपनी में किसी सेल्समैन को रखा जाता है और कंपनी को रहता है कि इस एक महीने में 10 लाख रुपए का इससे बिजनेस चाहिए, सपोज कर लीजिए, तो कंपनी उसको टारगेट देगी 12 लाख या 13 लाख का, कि तुम 12-13 लाख का बिजनेस करो। अब वो 13 लाख को चेस करेगा या 10 लाख को? 13 लाख को चेस करने में क्या वो 10 लाख का बिजनेस नहीं कर लेगा? कर लेगा ना। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप 100% जिसे भी बना रहे हो वो 100% कभी अचीव नहीं कर पाओगे। एक बात, वो हमेशा 80-90, अगर 80-90% आपका सक्सेस रेशियो है तो दैट इज 100%, राइट? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मेरे पास 10% बचा रह गया तो हम उसका क्या करें? तो अब आपको उस 10% को चेक करना पड़ेगा कि उसकी जरूरत कितनी है। अगर इमीडिएट नीड है तो उसको कल ही पूरा कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसको हम संडे वाले टाइम में या किसी अदर डे में कंपनसेटरी में डाल सकते हैं, तो उसको उसमें डाल दीजिए। वो निर्भर इस बात पे करता है कि वो कौन सा टॉपिक है या कौन सा चैप्टर है जो आपसे रह गया, या कौन सी ऐसी चीज है जो रह गई, राइट? वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, उसकी जरूरत पे डिपेंड करेगा। कुछ भी कह देना कि नहीं उसको कल ही पढ़ लो, ये भी बात श्योर नहीं है, ठीक? और ये कह दो कि नहीं उसको 20 दिन बाद पढ़ना, ये भी ठीक नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो एसेंस कितना है उसका। ठीक है, आंसर मिल गया? किसी और का कोई सवाल नहीं?
देखिए सारे सवालों का, सबका सवाल हो गया ना, कोई छोटा तो नहीं, सारे सवालों का एक दो तीन जवाब है। मैं दो तीन बातें आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। पहली चीज, जब भी पढ़ाई करिए, पढ़ाई आपके दिमाग में सबसे पहले स्केलेटन ऑफ चैप्टर क्रिएट करिए। क्या क्रिएट करेंगे? यानी चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं ये आपको पता होने चाहिए, फिर उसके ऊपर मांस और खाल चढ़ाएंगे, यानी उसके अंदर की चीजों को समझेंगे। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो हम क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल है। मैंने एक रेफरेंस आपको नंबर दिया था 50-30-30, 50 बायोलॉजी, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, मिनिमम आप लगाइए डेली में। क्वेश्चन लगाने से आपको बहुत सी चीजें, आपका दिमाग खुलेगा, तरीका खुलेगा और चीज होता रहेगा। तीसरी चीज, कभी भी आत्मविश्वास को कमजोर मत करिए, कभी भी खुद को गलत, बुरा, बेकार मत समझिए, क्योंकि आप जब तक ये समझते रहेंगे तब तक आप वो बने रहेंगे। आप ये जरूर सोचिए कि हमसे गलती हो सकती है पर हम गलत इंसान नहीं हैं, राइट? तो आप अपनी सेल्फ इमेज को डाउन मत करिए, अपने खुद की इमेज को डाउन मत करिए, भिड़े रहिए। लेकिन साथ में एक बात ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक फर्क होता है। तो आत्मविश्वास रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस को अपने साथ मत रखिए। तीसरी चीज है। चौथी चीज है, किसी भी चीज का ईगो मत क्रिएट करिए, किसी भी चीज, कोई भी चीज। कोई चैप्टर आ गए तो हनक मत रखिए कि अरे आ उड़ा के रख देंगे, ला उड़ा ना छोड़, किसी छोटे क्वेश्चन का छोटा क्वेश्चन हा छोटे। कभी भी किसी चीज को बड़ा और छोटा जज मत करिए, न किसी मनुष्य को न किसी चीज को। छोटा या बड़ा जज करना आपका काम नहीं है, आपके जिंदगी में उसकी जो यूटिलिटी है खाली उसको देखिए और उसी से आप आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन आसान हो या टफ हो, कितने नंबर देगा? तो आसान टफ रहा क्या? नहीं। पांचवी चीज ये है कि आप सोशल इंट्रैक्शंस को बैंड कर दीजिए। याद रखिएगा, आपके लिए इस वक्त दोस्ती यारी दुनियादारी नहीं है। आइसोलेट सिस्टम मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप आइसोलेशन नहीं क्रिएट करेंगे तो आप अपनी एनर्जी पूरी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आइसोलेशन इज वेरी मस्ट। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं और जो सिलेक्ट हो जाते हैं, लोग उनको मतलबी भी कहते हैं कि बड़ा मतलबी है, जब काम था तो आके बतियाता था और जब काम नहीं था तो भाग जाता था, क्योंकि वो अपनी एनर्जी अपने हिसाब से खर्च कर रहा था, आपके हिसाब से नहीं। तो आपको थोड़े सेल्फिश बनना पड़ेगा। सेल्फिश बनने का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, सेल्फिश बनने का मतलब है खुद का नुकसान ना होने देना। सोशल दायरे मत बढ़ाइए। सोशल दायरे अभी आपके काम के बिल्कुल भी नहीं है, किसी काम के नहीं। आप, आपकी किताबें, आपकी कोचिंग, आपके टीचर, आपके मेंटर, दैट्स इट। इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ना आपके माँ बाप, ना आपका परिवार, ना आपके दोस्त यार, ना कोई बात, ना कोई चीज। ठीक बात है, क्योंकि हम सब इमोशनली बहुत अच्छे होते हैं और दूसरों का भला करना चाहते हैं, लेकिन उसके चक्कर में अपना बुरा कर लेते हैं। ठीक है, तो सोशल इंट्रैक्शंस को बैंड रखिए, थ्रू सोशल मीडिया भी और डायरेक्टली भी। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, जितना काम चल जाए ठीक है, और ना काम चले लगे कि वो परेशान कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। इंस्टाग्राम की रील अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाके बनाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, इस तरह से बनाएंगे तो फकीर ही लगेंगे, भंगी लगेंगे, समझ रहे हैं? उसका कोई सेंस नहीं है, अचीवमेंट हासिल करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ है। और छठवीं और आखिरी चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा, सातवीं, छठवीं बोल रहा हूँ, छठी अभी एक और चीज़ है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइएगा। छठवीं चीज़, अपना अपने अंदर प्रोग्रेसिव अप्रोच रखिए, हमेशा हमेशा प्रोग्रेसिव अप्रोच रखिए। प्रोग्रेसिव अप्रोच का मतलब कल हम जहाँ थे आज उससे बेहतर, और आज जहाँ हैं कल उससे बेहतर। ठीक बात है, बस उस आप अपने आप को डे बाय डे बेहतर बनाते जाइए। रात में जब बिस्तर पे सोइए तो अपने आप से सवाल करिए कि आज मैंने क्या सीखा,
आज मुझे जिंदगी में कौन सी नई बात पता चली जिसे मुझे अप्लाई करना है, आज मेरे लाइफ में क्या नया आया, राइट? कुछ लोग आपके साथ बुरा करेंगे, कुछ लोग अच्छा करेंगे, कुछ सही कहेंगे, गलत कहेंगे, लेकिन वो सभी लोग आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, और आपको ये देखना है कि आप क्या सीख रहे हो, इंतकाम कर लेना सीख रहे हो या अपने अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर ले रहे हो, ठीक बात है? और सातवीं और द लास्ट थिंग, हालांकि उसका कोई अंत नहीं है लेकिन ठीक है, फिर भी सातवीं चीज ये है कि ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहिए। ये नहीं कि भगवान मेडिकल कॉलेज में एक सीट दे दे, मेरी माँ की तबीयत अच्छी कर दे, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा कर दे, इस भीख को मांगने की जरूरत आपको नहीं है। बस एक ही चीज मांगिएगा कि भगवान मुझे साहस दो, सद्बुद्धि और समझ देना, बाकी चीजें तो हम कर ही लेंगे। अगर आपके अंदर करेज है, डायरेक्शन है, तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि आपको पता है चीजें कैसे की जाती है, ठीक है? और भगवान से मांगना है तो यही सब मांगिए जो टूल्स हैं, आपके औजार हैं, और गॉड पे, भगवान पे 100% फेथ रखिए। ना भगवान कभी आपके साथ गलत करते हैं, ना उन्होंने किया है और ना कभी करेंगे, क्योंकि अगर कोई जस्ट है, कोई न्याय है, तो वो सिर्फ गॉड है, भगवान है। जिस भगवान को आप जानते हो वो भगवान एक्चुअल भगवान नहीं है, ये बात मैं क्लास में भी आपको बताता रहता हूँ। वो बाजार के भगवान है, भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं करते हैं, ठीक बात है? हर वो चीज़ जो आपके ज़िंदगी में घट रही है उसके पीछे एक मकसद है, और वो मकसद आपको समझना होता है और उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। अच्छा बुरा लगा रहेगा, लेकिन आपको अपना मकसद भूलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सभी लोग ये याद रखें कि हम आए किस लिए हैं, आए कहाँ से हैं और जाना कहाँ है, ठीक? और दुनिया की जो रंगरलियाँ मैं बता रहा हूँ उससे आपको अपने आप को बहुत ही दूर रखना है, उस रंगरलियों से दूर रखिए, मज़ा बहुत है। देखिए गलत चीज़ें इतनी मज़ा देती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, एडिक्शन कॉज करती है, समझ रहे हैं आप? तो आप बुरी चीज़ों में बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाएंगे क्योंकि मज़ा देती है, तो बुरी चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है, या ये कह लीजिए कि बुरी चीज़ों को अपने ज़िंदगी में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने अंदर तो आएंगी ना, आपका बहुत मन करेगा कि थोड़ा एक बार इंस्टाग्राम के रील स्लाइडें कर लें हम, थोड़ा यूट्यूब पर देख ले ये वाला वीडियो, अरे उसको थोड़ा सुन लें, ये देख, ये आपका मन करेगा, ठीक है? तो अब आपको उसे कंट्रोल करना सीखना है, उसे कैसे कंट्रोल करना है? फ़ोन बंद कर दें कि डेटा ही ना रिचार्ज कराएं, भाड़ में जाए ना रहेगा रिचार्ज, ना करेंगे काम हम, ठीक है? तो मन पे काबू करिए और काम करिए। टेस्ट में जो नंबर बढ़ाने हैं, टेस्ट में नंबर बढ़ाने का एक ही सेट फंडा और फॉर्मूला है कि टेस्ट के लिए जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए उसमें अपनी रिवीजन को आप बढ़ाइए, ठीक? जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना आपका टेस्ट में अच्छा परफॉर्म होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, सीधी बात है। खूब रिवीजन करिए। आप कहेंगे जी खूब कैसे करें, चलते फिरते रिवीजन करिए, बैठे बैठे रिवीजन करिए। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगर कोई बात होगी तो हम लोग फिर ऐसा एक, तो आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा? बढ़िया लगा? तो कमेंट बॉक्स में लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लाइक क्यों करोगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही बोलेंगे ना, गलत बोले, बेल आइकॉन को भी दबा दें, बेल तो यहीं बैठा हुआ है। तो बहरहाल कमेंट जरूर करिएगा, और कोई सवाल होगा तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि एक पहले हम लोग एक वीडियो शूट करते थे, लाते थे, और बच्चों क्या चल रहा है नाम से, आप लोगों ने शायद देखा हो कभी, एक एपिसोड था, तो इट्स कमिंग सून, आप लोग सवाल पूछेंगे या उसमें कुछ भी कहेंगे तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मिला जुला करके देखिए, लैंप लाइटर समागम का एक ही मकसद है कि आप अपने आप को पॉजिटिव करिए, और अगर आप 500 नंबर पाने वाले थे तो 650 पाइए, 600 पाने वाले थे तो 700 पाइए, 700 पाने वाले थे तो 800 कौन कह रहे हैं, नहीं नहीं तो 700, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।